रायपुर से नागपुर जा रही चार गाड़ियां गोंदिया जिले की देवरी पुलिस ने रात में शिरपुर बांध स्थित कस्टम चेक पोस्ट के पास एक वाहन से 24 पैकेट गीला गांजा जब्त किया है। जिससे यह बात सामने आई है कि पर राज्य से गांजे की अवैध तस्करी हो रही है। इधर इस कार्रवाई में गिरफ्तार दो आरोपियों को देवरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वर्तमान में देवरी तालुका में चोरी और डकैती की घटनाओं पर कुछ अंकुश लगा है। हालांकि उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल ने गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मित्रराज सूत्र ने देवरी पुलिस को सूचना दी कि चार पहिया वाहन में रायपुर से नागपुर गांजा ले जाया जा रहा था। इसके आधार पर देवरी पुलिस ने शिरपुर बांध में सीमा शुल्क चौकी पर नाकाबंदी की। प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही थी और इसी दौरान रात करीब 8:30 बजे रायपुर के रास्ते नागपुर की ओर आ रही एक कार RJ08TA1836 को नाकाबंदी के दौरान स्पीड से जा रही थी और पुलिस ने गाड़ी को रोककर छानबीन करने पर पुलिस को कार की डिक्की से 24 पैकेट गांजा मिला है। बैग में 5 किलो वजनी कुल 120 किलो गांजा मिला है। इस कार्रवाई में गांजा, कार, मोबाइल जैसे लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया है। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 रोजी एक गोपनीय खबर अशी मिळाली की शिरपूर टोल नाक्याजवळ हायवेवरून अंमली पदार्थाची तस्करी करणारी एक फोर व्हीलर जाण्याची शक्यता आहे। अशी माहिती मिळताच तात्काळ वरिष्ठांची परवानगी घेऊन तसेच हायवे पेट्रोलिंगच्या गाडीला इंटिमेट करून NDPS कायद्याअंतर्गत ज्या काही पूर्व मंजुऱ्या घेणे तसेच स्टेशन डायरी मेंटेन करणे या रितसर ज्या कारवाया होत्या त्या कारवायांच्या पूर्ततेनंतर गोपनीय बातमीदाराच्या माहितीला अनुसरून विविध वाहनांचा तपास घेतला असता एक RJ पासिंगच्या गाडीतून गांजा या अंमली पदार्थाची तस्करी होत असल्याची खबर आम्हाला मिळाली। नाकाबंदी दरम्यान सदरील गाडीची तपासणी केली असता या गाडीमध्ये 24 ओल्या अंमली पदार्थांचे पाकिट मिळून आलेले आहेत। आपल्याला सोबत 2 आरोपी देखील आहेत। याबाबत घटनास्थळ पंचनामा पूर्ण झालेला असून पुढील कारवाई देवरी पोलीस स्टेशन अंतर्गत करण्यात येत आहे। साधारणतः आता घटनास्थळ पंचनाम्यामध्ये आपण व्हिडिओ शूटिंगद्वारे पाहिला असता 4.5 ते 5 किलोच्या दरम्यान प्रत्येक पाकिट आहे, परंतु ते ओल्या स्वरूपात असल्या कारणाने एक्झॅक्ट आपण वेटेज उद्या JMFC मॅडमच्या समक्ष आपण करणार आहोत। सदरील आरोपी गोपनीय माहितीनुसार अशी होती की ओडिशातील जुनागड परिसर जो आहे तिथून हा माल घेऊन राजस्थान च्या साईडला जात होते अशी खबरवात होती। त्या अनुषंगाने आपण शिरपूर टोल नाका येथे कारवाई केली। या अनुषंगाने असेच आवाहन राहील की ज्या कोणत्याही बातमीदारांना गुप्त बातमीदारांना अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीची तसेच अंमली पदार्थांच्या विक्रीची कोणतीही बातमी मिळाल्यास तात्काळ पोलीस दलास आपण माहिती देणे अपेक्षित आहे की ज्यामुळे आपण येणाऱ्या पिढीला अंमली पदार्थांपासून मुक्तता देऊ शकू। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।